मुद्दे जो उठाए नहीं जाते, सवाल जो पूछे नहीं जाते, खबरें जिनकी हत्या होती है और तस्वीरें जिन्हें छिपाया जाता है। बस बहुत हो गया, अब लौट आया हूं मैं उसी बेबाकी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। बिहार में जो है आगजनी का लगातार वीडियोस आ रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने जो युवाओं के प्रति जो कानून लाया है, जो बहाली को लेकर के, जहां तक सैनिक को लेकर के 4 साल में नौकरी करना है, रिटायर करना है, फिर जा करके घर बैठना है। आप सोचिए 18 साल की उम्र में अगर स्टार्ट होती है जॉब, तो 18, 19, 20, 21 यानी 21 की उम्र पहुंचते रिटायर हो जाएगा बंदा। शादी कब करेगा, फैमिली होगा, बच्चे का एजुकेशन कौन देगा, उसका पेंशन तक नहीं देने का। अब तो प्राइवेटाइजेशन सब तरफ कर दिया है, रेलवेज़ को प्राइवेटाइजेशन, जॉब प्राइवेटाइजेशन। सरकार मोदी जी खुद का अपना पद को प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं कर रहा है कि 2.5 साल हम सरकार में रहेंगे, 2.5 साल प्राइवेट सेक्टर से चलाएंगे। ये नियम नहीं लागू हो रहा, मगर एक तरह से देखा जाए तो संविधान से हट कर सारी काम चल रही है। ऐसे में हम बात करेंगे जाप के जो है नेता है बबलू बास्की जी हमारे साथ हैं। बबलू जी जाप का सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो है जिस तरह से देश में काम कर रही है, कहीं ना कहीं जो है इससे साफ दिख रहा है, क्या लग रहा है आपको कि आगजनी का जो मामला आया है, 10 ट्रेनें जो हैं फूंक दी गई है, कई रेलवे मुख्य मार्ग को रुका दिया गया है कि नहीं चलेंगे 24 घंटे के लिए, हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्या लगता है इसमें सरकार की विफलता है, क्या लगता है? देखिए, जिस तरह से लगता है अभी हमारे देश में नवयुवक जो नौजवान हैं हमारे साथी, उन लोगों के साथ बदसलूकी की जाती है। आप देखिए, लोग जो लड़के हैं कितने मेहनत से वो पढ़ाई करके डिग्री हासिल करते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा हम नौकरी करेंगे, जब तक हमारे एज रहेगी तब तक हम नौकरी करेंगे, उस उम्मीद में वो पूरी मेहनत लगा देती है। और सरकार कि जो अभी कानून जो निकाली है अभी नया कि आप 4 साल तक ही नौकरी कर सकते हैं, उसके बाद आपको नौकरी छोड़ देनी होगी और आप घर में जाके बैठ कर रहिए और पेंशन भी नहीं दी जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से हमारे नौयुवक और नौजवान जो हैं हमारे साथी, उन लोगों के साथ मतलब बदसलूकी की जाती है। आपको लगता है कि भाजपा सरकार देश में जिस तरह से व्यवस्था लेकर काम कर रही है, भाजपा कह रही है कि बिहार में बहुत तरक्की हो रहा है, चाहे वो सेंट्रल में हो, सब जगह बहुत तरक्की की जो दिशा दिखा रहा है, क्या लगता है तरक्कियां हो रही है, क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री जी एक तरफ कह रहे हैं तरक्की हो रहा है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि बहुत डेवलपमेंट हुआ है, क्या लग रहा है? देखिए, ये लोग जो है ना जदयू और बीजेपी के जो लोग हैं, ये लोग सिर्फ अपना खाना कुर्सी में लगे हुए हैं, ये लोग सिर्फ कागजात में ही सीमित हैं। आप जमीनी स्तर पर जाके देखिए तो ऐसा आपको देखने को कुछ भी नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ क्या युवाओं के साथ पप्पू यादव खड़े होंगे, क्या बबलू आपकी युवाओं के साथ होंगे, देश का जो भविष्य है उसके साथ खड़े होंगे आप लोग, या उसका साथ समर्थन दे रहे हैं या सरकार की समर्थन दे रहे हैं? देखिए, हमारे जन अधिकार पार्टी के जो पार्टी अध्यक्ष हैं श्री पप्पू यादव जी, वो पहले से भी लोगों के साथ दुख सुख में खड़े हैं और अभी भी हैं। और नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि बहुत डेवलपमेंट हुआ है, क्या लग रहा है? देखिए, ये लोग जो है ना जदयू और बीजेपी के जो लोग हैं, ये लोग सिर्फ अपना खाना कुर्सी में लगे हुए हैं, ये लोग सिर्फ कागजात में ही सीमित हैं। आप जमीनी स्तर पर जाके देखिए तो ऐसा आपको देखने को कुछ भी नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ क्या युवाओं के साथ पप्पू यादव खड़े होंगे, क्या बबलू आपकी युवाओं के साथ होंगे, देश का जो भविष्य है उसके साथ खड़े होंगे आप लोग, या उसका साथ समर्थन दे रहे हैं या सरकार की समर्थन दे रहे हैं? देखिए, हमारे जन अधिकार पार्टी के जो पार्टी अध्यक्ष हैं श्री पप्पू यादव जी, वो पहले से भी लोगों के साथ दुख सुख में खड़े हैं और अभी भी हैं और खड़े भी रहेंगे, और उनके साथ हम भी हैं। और हम लोग सभी जब भी लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार होगा, हम लोग पूरे जोर शोर के साथ हम लोग लड़ेंगे, आवाज़ उठाएंगे और हक और अधिकार की बात करेंगे। जब तक सरकार नहीं सुनती है तब तक हम लोग गरीबों के हक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। देखिए, बबलू आज का सीधा कहना है कि अगर गरीबों की आवाज़ और हक की लड़ाई को नहीं लड़ा जाएगा तो ये बिहार के लिए बहुत बड़ा ही सौभाग्य होगा। और ऐसे में बिहार में जो लगातार 10 ट्रेनों में जो 10 जिलों में जिस तरह से तस्वीरें आई है, इससे साफ दिख रहा है कि बिहार में किस तरह की व्यवस्था चल रही है। भले ही प्रधानमंत्री जी कुछ कह रहे हों, कई ऐसे वीडियो आ रहे हैं जहाँ प्रधानमंत्री को खुलेआम गाली दे रहा है, इस तरह के लहजे में गाली दी जा रही है कि मैं सुना नहीं सकता हूँ उसको कि आखिर क्या चल रहा है। इस देश का माहौल से यही दिख रहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ प्रधानमंत्री जी खिलवाड़ कर रहे हैं। बने रहिए लाइव 24 न्यूज़ पर। किशनगंज से संवाददाता मिन्हाज आलम।